月亮的另外一边，黑夜白天，我不想被困在困里面。天再高，在我的快乐之上，哦嘿呀哦嘿呀，只要开心就好，哦嘿呀哦嘿呀哦，爱多大声，有情人有情人才懂分寸，翻山越岭只是为了寻找心中最想的人。送你送的人少吃一点甜，再苦再苦再烦，我活得认真，至少我会承认爱需要等一等，哭的笑着不过就是一种过程。天在天到我的快乐只是मुझे देखकर वो डर गए होंगे, तुम्हें भी यही लगता है ना? क्या हुआ, मौन व्रत लिया है क्या? अरे कुछ तो बोलो। मेरी बात सुनो, ओयांग दिंगदांग को तुम मेरे भरोसे क्यों नहीं छोड़ते? अब तुम खामखा भाव क्यों खा रहे हो? हाँ, अरे कुछ तो बोलो। संभल कर, उनकी कोई चाल हो सकती है। ये देखो, ओ यांग डिंग डांग, वो दोनों निहायत ही डरपोक हैं। मेरा सामना थोड़ी कर सकते हैं। शर्म के मारे चिल्लू भर पानी में डूब गए होंगे। अचानक सारे दिए कैसे जल गए? अरे अब ये क्या नई चीज है? ये क्या हो रहा है? ये जिंदा इंसान है या भूल? हमारे करीब आ रहे हैं। सब लोग होशियार रहना। हाँ? हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुंह चलाने से बेहतर हाथ पैर चलाओ और इनका सफाया कर दो। अरे मेरे भाई, अपने दांत घस लिया करो। संभल कर, ये जहरीला गैस है। अब हम क्या करें? सांस रोको और छत पर चढ़ जाओ। ये तो घात लगाए बैठे। जेड क्राफ्टेड मूविंग फ्लावर्स एवलांच। ये फिर से जिंदा हो गए? इन्हें मारना आसान नहीं। चलो हमें सुरक्षित जगह छुपना होगा। मैं इनविटेशन दूं क्या? जल्दी चलो। ये किस तरह के भूत है? मेरा सर चकरा रहा है। तुम दोनों ठीक तो हो? चूहा चाहे तेज हो, बिल्ली के पंजे में फंस ही जाता है। अब तक ये बात उन तीनों को समझ आ चुकी होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो तो, हमारे घर मेहमान आए हैं। जो हमें दूसरी बार मिलता है, तीसरी बार के लिए जिंदा नहीं बचता। लगता है मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ।
तुम दोनों काफी खुश लग रहे हो, तो इस मौके का फायदा उठाकर क्यों ना हम एक सौदा कर लें? अरे रे रे ना समझ, क्या लगता है तुम जैसे अरे गरे के साथ हम हाथ मिला लेंगे? ये मुमकिन नहीं, हम तक पहुंचने के लिए तुम्हें अभी वक्त है, हम तभी सोचेंगे। बहुत बुरा हुआ, इसका मतलब तुम दोनों को मेरा दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। तुमने क्या सोचा, हम तुम जैसे मामूली चोर से दोस्ती कबूल करेंगे? होश में आओ लड़के, 3 साल का बच्चा भी ऐसे सपने नहीं देखता। हमारा साथी बनने का सपना भूल जाओ। अगर ऐसा है तो तुम जो चाहे कर सकते हो। लेकिन अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो, और तीसरी बार अगर विनती करोगे तो शायद हम मान भी लें। आज का दिन तो सच में बहुत बढ़िया है। ये कमाल का योद्धा था, लेकिन खामखा हमारे पीछे लग गया और अपनी जान गवा बैठा। लेकिन भाई वैसे देखा जाए तो ये इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं? मैंने कहा था ना, हवा में जहर कम छोड़ना। देखो तीनों मर गए ना, अब हम किसे गुलाम बनाएंगे? हाँ, लेकिन अगर डोज कम हो जाती और ये बेहोश ही ना होते तो? ये बात भी सही है। ये बंदा अब भी हमसे लड़ना चाहता है, चलो इसे जीत ही मान लेते हैं। हंस क्यों रहे हो? मैं उन लोगों पर हंस रहा हूँ जो मरने के बाद भी गुलामी कर रहे हैं। अगर हम मुंह ढक कर लड़ते अब तक तुम्हारा अंत हो जाता। बताओ तुम क्या जानते हो? तुम इन लाशों के अंदर पारा डालते हो ना, इस प्राचीन परंपरा से मौत के बाद भी उनके शरीर खराब नहीं होते। लगता है ये सारे योद्धा मौत के बाद भी जीना चाहते थे। तुम बहुत कुछ जानते हो बच्चे। ऐसी पहरे में से जहरीली गैस निकलती है जिससे बचना नामुमकिन है। ये बात समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सारे योद्धा जिंदगी भर मार्शल आर्ट सीख रहे थे, इन्हें काबू करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, और इसलिए मरने के बाद तुमने उन्हें गुलाम बना लिया। हम बाहर जिनसे लड़ रहे थे वो कोई महान योद्धा नहीं थे, लेकिन तुम उनसे अलग हो। तुम्हें मारने के बजाय जिंदा रखने में हमारा फायदा। छोड़ो मुझे। तो इसीलिए तुम इस इलाके में रह रहे हो, क्योंकि यहाँ सोने की खदान है। चलो अब मैं तुम्हें कमाल दिखाता हूँ। इन लोग के दांत क्यों नहीं है? ध्यान से देखो इन्हें, तुम्हारी हालत भी ऐसी ही होने वाली है। क्या हो रहा है? आ जाओ आ जाओ। डरो मत, तुम्हारे दांत निकालने के बाद तुम्हें भी उनकी तरह पेट भर खाना मिलेगा। आज से तुम भी हमारे गुलाम बनोगे। ओए बेवकूफ, ध्यान से सुन, मैं हूँ जांग शाओयू और मैं यूं ही किसी के हाथ नहीं लगता। ओ अच्छा, लेकिन तुम जैसे अनगिनत लोगों को मैं गुलाम बना चुका हूँ। पर मुझ जैसे को नहीं। भाई क्या हुआ? खत्म कर दो इसे। हटाओ भाई। ये क्या, तुम दोनों भी जिंदा हो?
तुमने हमें फिर से धोखा दिया। कहा था ना मुझ जैसे को नहीं भूलोगे। लेकिन तुम दोनों बच कैसे गए? इन्होंने हमें जहर दिया। ये दोनों भाई बहन हैं। मैं ये जहर बेहद घातक है। कोशिश करके भी मैं इसे बाहर नहीं निकाल पा रहा। मिल गई। ये आंटू की जड़ी बूटी खा लो। इसकी गंध से उल्टी होगी और जहर निकल जाएगा। ज्यादा सोचो मत। जिंदा रहना है तो ये दवाई निगल लो, वरना जहर शरीर में फैल जाएगा और फिर कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। डरो मत, होता है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें पहली बार होती है। तुम लोग ये कौन सी गोली है? कैसी गंदी बदबू आ रही है? ये तुम क्या कर रहे हो? अंकल वॉन ने मुझे लोगों को बेहोश करना सिखाया है। वो प्रेशर पॉइंट्स दबाते ही लोग ऐसे बेहोश होते हैं जैसे मर गए हो। एक्यूपंक्चर से बहुत अलग है, लेकिन सही वक्त पर अगर इन्हें होश में नहीं लाया तो नकली मौत असली हो सकती है। पर मुझे यकीन है तुम्हारे होते ऐसा कुछ नहीं होगा। उन बेवकूफों को बाहर निकालने का यही एक तरीका है, होश में आने के बाद शुक्रिया अदा करना। अंकल वॉन के मार्शल आर्ट्स की बदौलत मुझ पर किसी भी जहर और आईक्यू प्रेशर का कोई असर नहीं होता, क्योंकि मेरे प्रेशर पॉइंट्स हिल चुके हैं। हाँ, जंगशो यू तो दिलचस्प लगता है। चुपचाप मेरा नक्शा लौटा दो। बहुत बातें कर ली। तुम्हारी ताकत इतनी जल्दी कैसे लौट आई? तुम दोनों अच्छा काम कर रहे हो, पर ये दोनों मेरे हैं, इन्हें मैं ही खत्म करूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? भाई निकलते हैं। सही करो भाई। ओए बेवकूफ, भागने की सोचना भी मत। चलो, वो उस तरफ भागे हैं। ओ तेरी, इन्होंने कितनों को लूटा है? इतना सारा? क्या सोचा था हम इतनी जल्दी हार मान लेंगे? ये देखो। अब ये कौन है? उम्मीद है ज्यादा जोर से नहीं। एक तो हमला के ऊपर से दोस्ती का नाटक करते हो। बात करने का वक्त नहीं है। अरे तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। अगर तुमने हमारी मदद की तो तुम्हें अपना साथी बनाएंगे और आधा खजाना भी दे देंगे। सौदा तो बढ़िया है, लेकिन मैंने मन बदल लिया है। तुम्हारे बजाय मैं इन तीन बहादुर योद्धाओं की मदद क्यों ना करूं? प्लीज हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी शक्ति मंजूर है। ऐसा है तो तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी। तुम दोनों मेरी सेवा करोगे और मेरा हर हुक्म मानोगे। सोचने के लिए मेरी उल्टी गिनती तक का वक्त। तीन, पहले से जानते थे ना ये तीनों नाटक में। दो, तुम हमारा फायदा उठा रहे हो, तुम चालाक और धोखेबाज। एक, मंजूर है, हमें सब मंजूर है। हम पर रहम करो, हमें बचा लो। बढ़िया। खूबसूरत है, उतना ही शक्तिशाली भी महान योद्धा जानदान का बेटा। सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। तैयार हो जा। लगता है तुम्हें भी मरने का शौक है। तुम दोनों को अपनी खास ताकत इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तुम्हारी आंखों में मुझे मौत का खौफ दिख रहा है।
तुम्हें मारने में मजा आएगा। जितनी भी जोर लगाओ तुमसे नहीं होगा। तुम्हें मारने के बाद मैं खुद तुम्हारे कब्र पर शोक संदेश लिखूंगा। तुम्हें मारकर मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। अब क्या होगा? यहाँ तो आग लग गई। निकलो यहाँ से। मुझे यहाँ चलकर मरना नहीं है। इसका फैसला तो मैं करूंगा।